तुम्हें नहीं लगता कि जो होप है वो एक बहुत ही बेकार चीज है? तुम्हें लगता नहीं कि आशा एक निराशा है? होप, आशा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, दुनिया सुधर ही जाएगी, हम सुधर ही जाएंगे जाएंगे। एक तो सबसे बेकार चीज जो होप की है वो ये कि आपको प्रेजेंट पर जो आपको एनर्जी लगानी चाहिए वो आप नहीं लगा पाते हैं। आप पोस्टपोन कर देते हैं, डिले कर देते हैं, यानी फिर कि कन्फ्लिक्ट हो गया, द्वंद पैदा हो गया, ड्वालिटी पैदा हो गई कि हो जाएगा, कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। फ्यूचर हो जाएगा वो तो फ्यूचर है, और जो अभी है प्रेजेंट, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, ड्वालिटी पैदा हो गई। और इस ड्वालिटी की वजह से फिर अब, क्योंकि जहाँ पर ड्वालिटी होगी, जहाँ पर ड्वालिटी होगी, जहाँ पर एकत्व नहीं होगा, तो वहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होगी, आपके अंदर करप्शन आएगा। करप्शन से यहाँ पर मेरा मतलब है मनोवैज्ञानिक करप्शन, आपके अंदर डिस्टर्बेंस होगी, आपका जो फ्लो है वो इंटरप्ट होगा, और आपके अंदर फिर बहुत सारे एक्सपीरियंसर, ऑब्जर्वर, आपके अंदर बहुत सारे नोअर, वॉचर, सीयर आएंगे। और जब ये सारी चीज़ें आएंगे तो फिर आप पुराने हो जाएंगे, पास्ट हो जाएंगे, फिर जो लाइफ नई है आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे, और वो जो चीज़ पुरानी हो गई फिर वो बेकार होना स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी काम को अगर आपको करना है, नो मैटर कोई भी काम हो, डू इट राइट नाउ, अभी इस वक्त, डैट इज़ द ओनली रियलिटी, वो झूठ नहीं है। फ्यूचर में जो आप आशा लगा रहे हो उसकी वजह से कहीं कुछ सुधर नहीं रहा है, कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कल से पक्का ये कर लूँगा, कल से ये हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ये तो एक एस्केपिज्म हो गया ना, भागना हो गया ना। जो शुरुआत, जो चेंज, तुम्हें जो कुछ भी करना है नो मैटर, उसकी शुरुआत इस वक्त से होगी, अभी। तो और होप की वजह से हम ये भी चीज़ देखते हैं कि क्योंकि होता तो कुछ ऐसा है नहीं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर तो फॉल्स है। सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है जो अभी है, इस वक्त में है, प्रेजेंट में है। फ्यूचर तो फॉल्स है, फ्यूचर तो हमें नहीं पता क्या होगा। तो सच्चाई के साथ हम रहें ना, हम क्यों भाग रहे हैं, सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? और जब हम सच्चाई के साथ रहेंगे, प्रेजेंट के साथ रहेंगे, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा, तो हम पूरी एनर्जी प्रेजेंट में लगाएंगे, और जब हम पूरी एनर्जी प्रेजेंट में लगाएंगे तो फिर वो, फिर उस रिजल्ट तो फिर आना ही आना है प्रेजेंट में, जब हम पूरी एनर्जी लगाएंगे तो होप हमें जो है वो पैसिव बनाती है, होप हमें चीज़ों को डिले करना सिखाती है, होप होप फ्यूचर है, होप इल्यूजन है जो कि सच नहीं है, और होप जो है वो ये चीज़ ख़त्म कर देती है कि हम अभी में बदलाव लाएं, इस वक्त में बदलाव लाएं। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आशा एक निराशा ही है। कुछ भी करना है, इफ़ यू हैव टू डेट समवन, डेट नाउ, राइट नाउ, अभी अपने दिल की बात जिसको कहनी है कह दो। किसी वैकेशन पे जाना है, फटाफट जाओ। तुम्हें अपनी प्लेन की टिकट बुक करनी है, या फिर कोई नई चीज़ सीखनी है, नई स्किल सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, जस्ट डू इट राइट नाउ। कोई होप मतलब अपने अंदर, होप मतलब एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप बढ़ा दे रहे हो, ब्रेन को और बर्डन दे दे रहे हो, तो वो चीज़ ख़त्म, जो चीज़ एक्चुअलिटी है वो फिर ख़त्म। लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी का कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, और इसमें कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी की बात होगी। अगर आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।